आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व cos square theta is equal to 1/2। इसका मतलब है cos theta हमारे पास आया प्लस माइनस अंडर रूट 1/√2। ठीक है, इस चीज़ को भूलना नहीं। अगर हमारे पास cos square 1/2 है तो जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो हमारे पास जो आता है वो प्लस माइनस दोनों टर्म में आता है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, चाहे प्लस 1/√2 का स्क्वायर करें 1/2 आएगा, और चाहे माइनस 1/√2 का स्क्वायर करें तो 1/2 आएगा। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। हमें बोला है कि चारों क्वाड्रेंट में इसका आंसर चाहिए फर्स्ट, सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। ठीक है, कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, लेकिन हमें चारों क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए। तो उसका जनरल सॉल्यूशन होगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर। देखो पाई बाई फोर कहाँ से आया, सबसे पहले हमसे फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकालेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 1/√2 के लिए कॉस थीटा की वैल्यू आती है पाई बाई फोर। ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू पाई बाय फोर आती है जब कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 होती है। अब हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट ऑल द क्वाड्रेंट में आंसर चाहिए, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आता है एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर। ये हमारे पास कैसे आता है, जब हम एन की वैल्यू जीरो रखेंगे तो प्लस माइनस पाई बाय फोर से हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा, और जब हम एन की वैल्यू वन रखेंगे तो हमारे पास सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट कवर करने के लिए हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन आता है वो आता है एन पाई प्लस माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे होगी पाई बाय फोर, सो एन पाई प्लस माइनस पाई बाय फोर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।